हेलो गाइस, मेरा नाम है धीरज और आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि हमको गेनर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं कि करके नहीं लेना चाहिए, वो क्यों बोलते हैं वो भी बताता हूँ। क्योंकि गेनर में रहता क्या है, जितना हम पूरे दिन में खाते हैं वो कार्ब्स रहता है, वो कार्ब्स ही गेनर में दिया रहता है। फिर भी क्यों फिर कंपनीज, अगर जो ऐसा रहता कि नहीं लेना रहता तो क्यों कंपनीज इतना बनाती और इतना बिक रहा है, क्यों? उसका रीज़न ये है कि यूट्यूबर इसलिए बोलते हैं कि जितना आप हो सके गेनर के पीछे मत भागिए, जितना हो सके आप नेचुरल खाइए। वो क्योंकि उन सब में भी वही रहता है जो आपके घर में पड़ा हुआ रहता है। आप फ्रिज खोलेंगे सब चीज़ें आपको मिलेगी कार्ब्स में, प्रोटीन की भले थोड़ी कम मिल जाएंगी, अंडे हो गया, ये हो गया, बाकी आपको जितना कार्ब्स चाहिए आपको पूरे दिन में आपको घर पर मिल जाएगा। इसलिए यूट्यूबर्स थोड़ा आपको सजेस्ट करते कि गेनर पर ना जाए। दूसरी बात, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, अभी वो डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल के ऊपर। अगर जो आपका गोल है फिट रहने का, तो समझिए आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप ऑफिस जाते हैं कि यार नहीं खा पाता, दिन में 3 ही बार खा पाता हूँ, जो ऑफिस जाते हैं और सुबह खाते फिर लंच फिर डिनर हम, और आपको वेट गेन करने के लिए कम से कम 5 to 6 meals लेने हैं, तो 3 meals ऑलरेडी मिस हो रही है, फिर भी चलो 2 ऐड करनी है तो कैसे करेंगे? तो उसके कैलोरीज फिलअप करने के लिए आप गेनर ले सकते हैं। उसमें कुछ, बस गेनर का ये भी एक फ़ायदा है कि करके उसमें कुछ चीज़ें ज़्यादा रहती हैं, जैसे ग्लूटामाइन हो गया, BCAA हो गया, क्रिएटिन हो गया, जो आपको मसल बिल्डिंग में हेल्प करती हैं, पर इतना मात्रा में नहीं रहता। बात करते हैं कि करके लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर ये आप अपना डाइट अच्छा रख रहे हैं, आपके आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप अपनी डाइट कवर अप कर ले रहे, तो फिर आपको गेनर इन सब की ज़रूरत नहीं है। तो किन लोगों के लिए ज़रूरी है? उन लोगों के लिए जिनको खाना शरीर में नहीं लगता, बहुत स्किनी गाइस है, और उन लोगों के लिए कि जो अपना डेली कैलोरीज मेंटेन नहीं कर पाते, उनको टाइम नहीं मिलता, उनका लाइफस्टाइल ऐसा है, ये दो लोग गेनर ले सकते हैं। जिनका जो बहुत स्किनी गाइस है और जिनको पूरे दिन में खाने पीने को टाइम नहीं मिलता, जैसे ऑफिस वाले बंदे होते हैं। कब लेना चाहिए? जैसे ही आपका वर्कआउट जब होता है, सुबह को लीजिए, शाम को आप वर्कआउट करते तभी लीजिए, जब वर्कआउट ख़त्म होने के 1.5 घंटे के अंदर आप जितना हो सके ले लीजिए। बहुत लोग ये भी कंफ्यूज रहते हैं कि करके मुझे प्रोटीन लेना चाहिए या गेनर लेना चाहिए। प्रोटीन देखिए, अगर ये आपका लाइफ, जैसे मैंने बोला कि जो लोग अपनी डाइट कवर अप कर पा रहे, तो अगर जो वो कार्ब्स बाहर से ले पा रहे हैं अच्छे घर के खाने से, तो उनको प्रोटीन की नीड है, क्योंकि वो घर से इतना प्रोटीन नहीं मिल पाता। तो आप, मैं उनको सजेस्ट करूँगा प्रोटीन ले। और वैसे लोग जो मतलब बहुत फैटी हैं, जिनको वेट लॉस करना है, उनके लिए भी प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। तो ये दो लोग प्रोटीन लें, बाकी जो स्किनी गाइस है और जो डेली नहीं कर पाते अपना ठीक से डाइट, तो वो गेनर ले। तो आपको रीज़न बता दिया कि करके बहुत सारे यूट्यूबर्स ये क्यों बोलते हैं कि करके गेनर नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए ठीक है, पर अगर जो आप ऐसे हैं स्किनी गाइस, जिन तो वेट गेन ना होने के दो ही कारण है, कि आपको शरीर में खाना लगता नहीं या आप उतना खा रहे नहीं है, तो दोनों ही केस में आपको गेनर की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर जो जिन बंदों को शरीर में खाना नहीं लगता, तो उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि करके भले गेनर नहीं ले रहे तो होममेड गेनर बनाइए, होममेड प्रोटीन बनाइए, मतलब जितना हो सके लिक्विड वाली चीज़ें खाइए, दाल पीजिए, बाहर से फ्रूट्स जूस पीजिए, तो उसको क्या डायरेक्टली आपको शरीर को खाना लगेगा। क्योंकि आप मालूम है, हम इंडियंस लोग कैसा, आपको मालूम है कैसा खाते, 2-3 बार चबाया और निकल गए, तो हमको उसमें से पूरे न्यूट्रिएंट्स तो मिलते नहीं, पहली बात, अच्छे से डाइजेस्ट भी नहीं होता, और उससे क्या लगता है हमको पेट भरा भरा लगता है, तो पर हम उतना हमको लगता है हमने खाया, पर उतना हम नहीं खाते, हमको ऐसा लगता है। तो इन दो मैंने बता दिया कि यूट्यूबर्स क्यों मना करते हैं, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए तो कब लेना चाहिए और किन को लेना चाहिए। तो होप आप सब समझ गए रहेंगे कि क्या लॉजिक है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स क्यों बोलते हैं नहीं लेना चाहिए और ले। और एक एग्जांपल ये देना चाहूँगा कि करके समझिए, आप बीमार है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं और उनसे दवाई लेते हैं आप ठीक हो जाते, अगर आप ठीक हो जाते तो भी क्या दवाई लेते नहीं लेते? तो उसी तरह गेनर का आदत मत डालिए। अगर ये आप बहुत स्किनी है, आपका वेट गेन नहीं हो रहा, आप गेनर लीजिए, एक बार आपका वेट गेन हो जाए उसको हटा दीजिए, उसकी आदत मत लगाइए, जितना हो सके उसके बाद अपने डाइट को मेंटेन रखिए। तो गेनर लीजिए, वेट गेन हो गया आपका, उसके बाद फोकस ऑन योर डाइट। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें।